तो 17 जुलाई 2022 जिस वक्त जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन अब आने वाला है और आपकी इतने सालों की इतने महीनों की जो मेहनत थी उसका फाइनल आउटपुट आपको मिलने वाला है ऑन 17 जुलाई। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, जितनी आपने मेहनत करी है ये एक सेलिब्रेशन का दिन है जहां आपकी सारी मेहनत सफल होने वाली है। तो आखिरी के टाइम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं। मैंने भी अभी रिसेंटली कुछ टेस्ट दिया था, स्क्रीनशॉट अटैच किया था मैंने फिजिक्स वाला का, ठीक है। तो मेरा उसमें आई वॉज सेलेक्टेड, उसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, उसमें भी टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, पहले राउंड एमसीक्यू टेस्ट ही होता है आपके जैसे नीट जैसा। तो उससे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और वैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, क्या नीट का पेपर कैसा आपको फील होने वाला है, नीट का पेपर क्या आपको लगने वाला है, नीट का पेपर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बताने जा रहा हूं, सुनते चले जाइएगा। नीट 2022 का पेपर जैसा भी आएगा, इजी मीडियम टफ व्हाट एवर, लेकिन नीट 2022 का पेपर आप एस्पिरेंट्स को टफ ही लगने वाला है, सुनते चले जाना, ध्यान सुनो। नीट 2022 का पेपर पहले 30 से 45 मिनट्स तक वो पेपर आपको टफ ही लगेगा, नो मैटर हाउ इजी हाउ मीडियम इट इज। घबराहट, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आप बहुत सारे इमोशंस के साथ पेपर देने जा रहे होते, वो कोई मॉक टेस्ट नहीं है, आपने बहुत सारी चीजें सोच रखी है, अगर इस टेस्ट में अच्छा हुआ तो मेडिकल कॉलेज में इतने सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अगर इस टेस्ट मैंने बर्बाद कर दिया आखिरी अटेम्प्ट है सब बर्बाद हो जाएगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सब कुछ। तो इतने इमोशन जब आप घुसेड़ देते हो, मेरे ऊपर भी कोई अगर मेरे सर पे कोई बंदूक रख दे, और कहे चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैं नहीं कर पाऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व। अगर मुझे ट्रिमेंडस प्रेशर पे कोई रख दे, बंदूक की नोक पे रख दे, मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपके साथ वही होगा पहले 30 से 45 मिनट तक आपके साथ वही होगा। तो पैनिक नहीं करना इस चीज में, हमेशा याद रखिए इस लूप से निकलने का एक ही जरिया है कि पहले 30 से 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ सबसे इजीएस्ट निहायती क्वेश्चन करें, निहायती पहला क्वेश्चन, जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको इजी लगा उसके बाद छठा क्वेश्चन इजी लगा, कोई बात नहीं जंप करिए, पहले से छठे जंप करिए, सर बीच में इतने सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे डर लगेगा, कोई डरने वाली बात, पहला क्वेश्चन करिए छठा करिए, छठे के बाद 17वां क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में छूटने दीजिए। मैंने भी जब अपना टेस्ट दिया था, लिटरली बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, मैंने मेरे जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उसमें भी 45 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, देयर वर सर्टेन क्वेश्चन जिसको जब मैंने पढ़ा पहले 10-15 मिनट में मुझे हवा भी नहीं लगी, ये क्या क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे लगा कि भाई मैं क्या सॉल्व करूंगा, मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, 45 में से जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लगे मुझे मैंने किए, मुझे करीब अराउंड मेरे 22-23 क्वेश्चन मेरे पहले बार में मैं इतने कर पाया, एंड ट्रस्ट मी जो क्वेश्चन पहले 10-15 मिनट में जो मुझे क्वेश्चन हवा भी नहीं लगी कि ये क्या क्वेश्चन, समझ ही नहीं आया, बाउंसर चला गया, वो After 30 minutes, after 40 minutes, मुझे वो question समझ में आने लगा, वो question मेरे को easy लगने लगा, मुझे लगा अबे तो ये concept है, A option, यही आपके साथ भी होगा, बहुत बार ऐसा होता है जब नीट का जब आप सोल्यूशन देखोगे, नीट का जब आप आंसर की देखोगे तब पता चलेगा अरे यार ये पेपर इतना टफ तो था ही नहीं, मैं ज्यादा हवा बनाया हुआ था, ये फीलिंग आएगी। तो इसलिए बहाने, इसलिए पहले मैं आपको माइंड में घुसेड़ रहा हूँ, पहले थोड़ा सा टफ ही लगेगा, डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन करो, आफ्टर 30-45 मिनट्स नॉर्मलाइज होने लगेगी बॉडी, ओके लगने लगेगा कि हाँ चलो ठीक है नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट पेपर, वो जो जो स्टार्टिंग में इतनी सारी जो इमोशंस घुसे होते हैं ना वो धीरे धीरे वेंट आउट होते रहेंगे, धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएंगे, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, पैनिकनेस, ठीक है। देखो गाइस, अगर आप अपने एग्जाम हॉल में पैनिक करोगे, पैनिक का सबसे बड़ा वो जो क्या करवाता है पैनिक, पैनिक से क्या फर्क पड़ता है, पैनिक एक स्टूडेंट की गलतियों को रिपीट करवा देता है। जब आप पैनिक करते हो आप सेम गलती जो पिछले साल करी थी या पिछले मॉक टेस्ट में करी थी, जो सोच गए थे आज नहीं करूंगा मॉक टेस्ट इस मेन एग्जाम में, वही करके आ जाओगे अगर आप पैनिक करोगे तो। मेनी स्टूडेंट्स फिल द रॉन्ग ओएमआर, मॉक टेस्ट में हुआ होगा पिछले साल यह होगा कि ओएमआर गलत भर दिया, इस साल भी अगर पैनिक कर जाओगे फिर से रिपीट कर दोगे मिस्टेक, ये एक स्टूडेंट के साथ हुआ था लास्ट ईयर, ओएमआर एंड में भरने की कोशिश करी, ठीक है पेपर सॉल्व ओएमआर बाद में भरेंगे, पता चला एंड टाइम ओएमआर पूरी भर ही नहीं पाए, एग्जामिनर छीन के ले गए ओएमआर कॉपी, एक साल बाद ड्रॉप किया, पैनिक में आ गई लड़की, दोबारा मिस्टेक रिपीट,
वही मिस्टेक एग्जैक्टली वही किया, पेपर सॉल्व, गया, नेक्स्ट ईयर भी गया। वो लाइफ में इतना ध्यान रखिएगा नीट के पेपर में, पैनिक नहीं, पैनिक कर भाई, बहुत लोग पैनिक करने वाले, टेंशन नहीं लोगे, बहुत लोग पैनिक करने वाले, बहुत लोग मार्क्स बिगाड़ने वाले, आपको पैनिक नहीं करना है। ये पैनिक किया आपकी मिस्टेक रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेना, पेपर टफ ही लगता है स्टार्टिंग में, बाद में आके देख लेना पेपर इजी आया टफ आया। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी ओएमआर भरने में अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, इफ यू वांट टू टेक एक्स्ट्रा टाइम टू फिल ओएमआर कोई दिक्कत नहीं, ओएमआर में जल्दबाजी नहीं करोगे ओएमआर में जल्दबाजी, 5 मिनट कम मिले चलेगा। एक गलत ओएमआर भरना ही सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, बहुत लोग भरते हैं। आप अगर नहीं भरोगे तो आपके मार्क्स बेटर होंगे। बहुत लोग का पैटर्न गलत हो जाता है, ओएमआर का 35 से 40 करना था, 36 से 41 कर दिया। आपको इन गलतियों से बचना है, आपकी रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो कुछ छोटी मोटी और टिप्स दे रहा हूं कि 16 तारीख है, 16 तारीख को आप पहले से टेस्ट सेंटर हुआ ही एक बार, पास में है जैसे भी है टेस्ट सेंटर, देख के आ जाइए ताकि एंड टाइम में ढूंढना ना पड़े, मेंटेलिटी बता दी है, पेपर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ ही लगता है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँपने नहीं लग जाना, हाथ पैर सूजने लग जाना, कहना कि नॉर्मल है, इट्स ओके, अपने आप बॉडी नॉर्मलाइज होगी, आधे घंटे बाद अपने आप बॉडी नॉर्मलाइज होगी। सिर्फ और सिर्फ इजिएस्ट क्वेश्चन पिक करना है, बाद में जो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहे हैं, ट्रस्ट मी आफ्टर 1.5 से 2 घंटे बाद वही टफ सुपर टफ क्वेश्चन तुम्हें सेंस बनाते हुए दिखेंगे, वो तुम्हें सॉल्व होते हुए दिखेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है, पैनिक नहीं करोगे, पैनिक करोगे तो सेम गलतियां दोहराओगे और ओएमआर में एक्स्ट्रा टाइम लोगे। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखिए। दैट्स